But crowd is kind of not that good, to be honest. Economics बना है पता नहीं कहाँ पे. So मेरे को college समझ में नहीं आया कि इनके design ये तो बना कैसे रखा है, कहाँ क्या है. Hey, what is up everyone, this is Harshad, welcome back to a new video. तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे का कैंपस टूर है. तो फर्ग्यूसन कॉलेज की बात करूँ तो लोकेटेड आपके ओल्ड पुणे साइड में है, लेकिन इसके आसपास आपको पूरा मार्केट वगैरह मिलेगा खाने के लिए, शॉपिंग के लिए, पूरा मतलब इसके जस्ट सामने प्रॉपर मार्केट है, बहुत बड़ा एंड सबसे वन ऑफ द मोस्ट अच्छा मार्केट मैं बोल सकता हूँ पुणे का है. तो स्टूडेंट लाइफ तो अच्छी रहेगी आपकी. हाँ, लेकिन ये क्लब्स हो गए, आपके पार्टी के प्लेसेस, वो थोड़ा दूर है, विमान नगर जहाँ सिम्बायसिस बना है मतलब उस साइड है, एंड वो इधर से लाइक आप मान लो 10-15 किलोमीटर था. कैंपस की बात करें बहुत ज़्यादा बड़ा था, अराउंड 37 एकर्स का पहले हुआ करता था जब बना था, अभी 65 एकर्स तक एक्सपेंड हो चुका है, मतलब जब तक इंडिपेंडेंस हुई थी जब तक. अगर बात करूँ कैंपस की, प्रॉपर ओल्ड स्ट्रक्चर डिजाइन है. देखो अब मैं रियलिटी बताता हूँ, देखो वैसे बहुत प्यारा कैंपस है, बड़ा है, पूरी ग्रीनरी है, आपको पेड़ वगैरह देखेंगे, ट्रीज वगैरह सब कुछ अच्छा है, लेकिन कोई अगर इतनी एक्सपेक्टेशन से आ रहा है किसी बाहर की सिटी से तो पुरानी चीज़ें हैं, क्लासरूम बहुत पुरानी है, बेंचेस वगैरह, एसी वगैरह तो आप भूल ही जाओ, इन फैन वगैरह भी सही से नहीं थे. तो मतलब मेरे को थोड़ी गवर्नमेंट कॉलेज की फील आ रही थी, एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे डीयू के कॉलेज से बेटर लगे. ठीक है, तो वही मतलब जो लोग सोच के आ रहे हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, उनको बहुत एक्सपेक्टेशन है, ग्राउंड वगैरह प्रॉपर होगा, मॉडर्न डे कॉलेज नहीं है एक तरीके से. लेकिन हाँ, वैसे कैंपस काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, ऐसा नहीं था, आपका एमपी थिएटर था, लाइब्रेरी वगैरह थी, काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ बहुत बड़ी थी, बट ओल्ड डिजाइन में थी जो पहले हुआ करता था काफी साल पहले, क्योंकि कॉलेज बहुत पहले बना था, न्यू कॉलेज नहीं, अराउंड 1885 में बना, तो आप खुद सोच सकते हो. ग्राउंड वगैरह थे, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल के लिए सब ग्राउंड थे, लेकिन ऑब्वियसली वो प्रॉपर कुछ भी मेंटेन नहीं था, ऐसी ग्राउंड बड़ा सा बन रखा है, उसमें एक दो नेट है, एक दो गोल पोस्ट वगैरह है, वैसे ही सीन था, एज सच प्रॉपर स्पोर्ट्स के लिए कुछ भी नहीं था. इन फर्ग्यूसन कॉलेज की रैंकिंग हमेशा अच्छी रहती है, NIRF रैंकिंग में नंबर 42 पे था ऑल ओवर इंडिया, तो रैंकिंग अच्छी रहती है, बट सिर्फ रैंकिंग के बेसिस पे मत आओ, इसलिए मैं पूरी वीडियो बना जिससे आपको एक रियलिटी पता चल सके, क्योंकि हम पुणे आया तो काफी लोगों ने फर्ग्यूसन कॉलेज कवर करो करो बोला था, सब कुछ मतलब ऐसे मुझे दिखा नहीं अच्छा कैंपस में कि आप आके, कोई बाहर की सिटी से आ रहे हो तो उसके लिए काफी टफ हो जाएगा, एंड मुझे लगता है नॉट वर्थ इट, नहीं रहेगा इतना. सो गाइस, अभी फर्ग्यूसन कॉलेज एंटर किया, टिपिकल बताने को पूरी एक टाउन लग रहा है, टाउन इन द सेंस की होता है प्रॉपर एक विलेज बना हुआ ऐसा लग रहा है, बिल्डिंग वगैरह हिस्टोरिक बहुत पुरानी है, स्पेस बहुत है, बड़ा बहुत है, सराउंडिंग वगैरह चिल है, ठंडक है, ट्रीज वगैरह हैं, ग्रीनरी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट क्राउड इज मतलब नॉट दैट गुड टू बी ऑनेस्ट, क्राउड तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखा मुझे इधर, एंड पुरानी है क्लासेस वगैरह, मतलब मैं तो इधर नई क्लास अटेंड नहीं कर पाऊँ, बहुत पुरानी डेस्क वगैरह बहुत वुड की पुरानी सी है, एसी वगैरह तो सब भूल जाओ, तो बिल्कुल स्मार्ट तो कॉलेज है ही नहीं है एक तरीके से, वरना सराउंडिंग वगैरह ग्रीनरी वगैरह एक टाउन सा लग रहा है. देखो अभी मैं आपको प्लेग्राउंड वगैरह दिखा दूँ, बड़ा है, बच्चे खेल रहे हैं वो सब. एक और चीज, मुझे बाहर के भी काफी लोग दिख रहे थे कॉलेज के अंदर, पता नहीं उनकी कैसे एंट्री क्या थी, मे बी हो सकता है कि वो स्टाफ है एम्प्लॉयज के कुछ लाइक चिल्ड्रन वगैरह हो, मतलब आई एम नॉट श्योर, बट बाहर के लोग काफी दिखे. मैं रेजिडेंसीज की बात करूँ तो टोटल आपके स्टूडेंट्स के लिए 6 हॉस्टल ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक्स फॉर बॉयज एंड 2 फॉर गर्ल्स हैं, टोटल इनटेक 587 है, तो ठीक है, हॉस्टल भी था नॉट बैड. ओ गाइस, ये पीछे आपका जिम खाना है, जा तो रहा हूँ इधर, देखते हैं वो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बना है पता नहीं कहाँ पे. सो मेरे को कॉलेज समझ में नहीं आया कि इनके डिज़ाइन एक तो बना कैसे रखा है, कहाँ क्या है, वो साइकोलॉजी उधर है, फिजिक्स उधर है, पता नहीं, लेकिन ये कॉलेज नहीं लग रहा है मेरे को टू बी ऑनेस्ट, एंड मतलब कोई ऑनलाइन देख के आ रही है, क्योंकि देखो रैंकिंग में बहुत सब कुछ मिक्स होता है, तो लोग देखते हैं बेस्ट कॉलेज में नाम आ जाता है, बट टू बी ऑनेस्ट आप किसी और सिटी से इधर आ रहे हो छोड़ के, I don't think so, it will be worth it. बस यही थी वीडियो. देखो कैंपस पूरा इतना बड़ा है, आपको देख रहा होगा फर्ग्यूसन हिल्स वगैरह है, पीछे पूरा जंगल है कॉलेज के, ये सब आपको मतलब इतना भी कुछ फालतू की चीजें नहीं दिखानी थी, मेन दिखाना सब कुछ, तो इतना बड़ा कॉलेज है, सेम बिल्डिंग है, बस डिपार्टमेंट डिवाइडेड है, फिजिक्स का अलग है, कॉमर्स का अलग है, आपका बाकी साइकोलॉजी का अलग डिपार्टमेंट ऐसे बन रखे हैं, ग्राउंड वगैरह काफी बड़ा है, पीछे जंगल बन रखा है, तो स्पेस की कोई कमी नहीं है, मतलब आपको अगर पूरा एंजॉयमेंट ग्रीनरी के पास रहना है तो उसके लिए बहुत बढ़िया चीज है, बट अदर देन दैट मॉडर्न डे कैंपस नहीं है, तो काफी लोगों को दिक्कत हो सकती है, बाहर किसी सिटी से आ रही हो चेंज कर रहे हो रैंकिंग देख के,
टू बी ऑनेस्ट मेरा जो वर्डिक्ट रहेगा मत आओ नॉट वर्थ है, ठीक है। तो बस इस वीडियो इतना ही रखते हैं, आपके लिए यूजफुल रहेगी, इंफॉर्मेटिव रहेगा, आपको मजा आया होगा, तो है तो लाइक कर देना, फिर चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब राइट नेक्स्ट चीज बताते हैं तो कॉलेजेस कॉलेज कैंपस टूर व्लॉग्स वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको चैनल में, एंटरटेनमेंट एजुकेशन सब कुछ मिलेगा। तो बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी स्टे सेफ।